न्यूज 18 ने हृदयांश को बचाने की मुहिम चलाई थी जो आखिरकार रंग लाई है। 3 महीने की लंबी जद्दोजहद के बाद हृदयांश को नई जिंदगी मिल गई और उसे 17.5 करोड़ का इंजेक्शन लगा दिया गया। देखिए रिपोर्ट। न्यूज 18 की मुहिम लाई रंग। मासूम को मिली नई जिंदगी। सत्रह करोड़ की लगी संजीवनी। महीनों की जद्दोजहद और जिंदगी से जंग अब हृदयांश जीत चुका है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी से पीड़ित हृदयांश अब आम लोगों की तरह ही जिंदगी जी सकेगा। जी हाँ, क्योंकि मासूम हृदयांश को 17.5 करोड़ की कीमत वाला दुनिया का सबसे महंगा इंजेक्शन लगाया गया है। इस इंजेक्शन को अमेरिका से भारत लाया गया, जहां जयपुर के जेके लोन अस्पताल में मासूम हृदयांश को इंजेक्शन लगाया गया। अगले 24 घंटे हृदयांश को डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। कुछ दिनों तक दवाइयाँ चलेंगी और इसके बाद हृदयांश आम लोगों की तरह जीवन जी सकेगा। हाँ सर, ये बहुत ही डिफिकल्ट रास्ता था जिसको हम तय कर पाए। इसके लिए पेरेंट्स ने बहुत मेहनत करी, पेरेंट्स और जो सगे रिश्तेदार हैं उन्होंने बहुत मेहनत करी, जो बच्चे के क्राउड फंडिंग पोर्टल के लिए जुटे रहे और धन एकत्रित करके ये लोग दवा को खरीद पाए। आज हम बहुत खुश हैं कि हम इस दवा को लगा पाए। इसके लिए बहुत ही पेपर वर्क, बहुत सारा कागजी कार्यवाही हमें करनी पड़ी जिसको हम पिछले 2 से 3 महीने से कर रहे थे, और आज हम इस काम को सक्सेसफुली कम्प्लीट कर पाए और ये हम लोग दवा को शुरू कर कि इसके अंदर कुछ दिनों में 7 से 14 दिन में हमें सुधार देखना चाहिए और धीरे धीरे करके उस बच्चे की जो मोटर पावर है उसमें और बेहतरी होनी चाहिए। बता दें कि मासूम के परिजनों के साथ साथ पुलिस महकमे के आला अधिकारियों समेत तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर अपील कर क्राउड फंडिंग की थी। हृदयांश को नया जीवन देने में इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी का भी बड़ा योगदान है। कंपनी ने भी हृदयांश के इलाज में काफी मदद की। उन्होंने इंजेक्शन की 17.5 करोड़ रुपए की राशि को 4 किश्तों में जमा कराने की छूट दी। कंपनी ने 4 किश्तों में पेमेंट करने की छूट दी। हृदयांश के घर वालों ने मुहिम में शामिल सभी लोगों का आभार जताया। उसका हम तहे दिल से बहुत दिल की गहराइयों से इनका अभिनंदन करते हैं, और सबसे ज्यादा ये जो मेरे दामाद हैं, वो जो पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर हैं, मैं सबसे अधिक पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों, आला अधिकारियों, जिन्होंने अपना बेटा समझ करके इस हृदयांश के लिए सहयोग किया, मैं उन अधिकारियों का जीवन में एहसास नहीं चुका सकता। और चलिए आपको ये बताते हैं कि आखिर ये कौन सी बीमारी है जिससे हृदयांश पीड़ित है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी एक जेनेटिक बीमारी है, यह दुर्लभ न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है। इस बीमारी के कारण पीड़ित के कमर से नीचे का हिस्सा बिल्कुल भी काम नहीं करता। यह दुर्लभ बीमारी इसलिए भी जानलेवा है क्योंकि सिर्फ 24 महीने की उम्र तक ही इस बीमारी का इलाज संभव है। बीमारी के कारण फिजिकल एक्टिविटी करना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। समय पर इलाज नहीं होने पर यह पूरे शरीर में फैल जाती है, जिससे जान जाने का खतरा बढ़ जाता है। 17 करोड़ की संजीवनी से हृदयांश फिर से अपने पैरों पर जल्द खड़ा होगा। डॉक्टरों का कहना है कि 7 से 14 दिन में हृदयांश में सुधार देखने को मिलेंगे और धीरे धीरे वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। हृदयांश को नई जिंदगी देने की मुहिम कामयाब हुई। परिजनों को आस है कि हृदयांश ठीक होकर घर के आंगन में दौड़ लगाएगा और अटखेलियां कर अपने बचपन के सुनहरे दिनों को जी सकेगा। न्यूज 18 के लिए जयपुर से आसिफ खान की रिपोर्ट।